मेरे मित्र पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्य सचेतक विधानसभा में अरुण कुमार सिन्हा जी, मेरे दोस्त नेहिल लोकप्रिय विधायक नितिन नवीन जी और संजीव चरसिया जी, त्यागी जी और हमारे बोध गया के भूसिया गांव की बजंती देवी, हाँ कैसी हो? पत्रकार मित्रों, आज मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, अगर आप समझेंगे और बिहार को बताएंगे कि क्या बदलाव हो रहा है तो बड़ी कृपा होगी। डॉक्टर अंबेडकर जयंती थी, मनानी थी, हमने कहा नहीं। कई लोग वोट की बात करते हैं, आज डॉक्टर अंबेडकर का सपना कैसे सही हो रहा है इसकी चर्चा करेंगे। और आज भैया थोड़ा शांत रहिए प्लीज, थोड़ा आप लोग साइड बजे थोड़ा। आज हमने कहा कि नहीं, जिन हमने दलित बेटियों को, दलित बहनों को, आदिवासी बहनों को, अति गरीब पिछड़ों को डिजिटली साक्षर किया है, आज उनसे बात करें। और मैं त्यागी जी आपका अभिनंदन करता हूं और आपकी टीम का कि इसमें कोई सरकारी एंकर नहीं है, एंकर है बजंती देवी। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना, बोध गया से आगे 30 किलोमीटर इसका गांव है, ये शायद दूसरा या तीसरा क्लास पास है और कंप्यूटर के माउस से इसको प्यार हुआ और इसने कहा कि मैं डिजिटल सेवाएं दूंगी। जब हमारी सरकार का एक साल हुआ था तो हमने इसको दिल्ली बुलाया था और टीवी को कहा था इसका इंटरव्यू लो, हमको तो बार बार दिखाते हो। और मुझे इसकी एक बात आज तक याद है कि मैं तो नहीं पढ़ सकी लेकिन मैं अपनी बेटी को अफसर बनाऊंगी और अपने गांव के सारी बेटियों को पढ़ाऊंगी। ये है सीएससी। इसीलिए बजंती का संदेश आप लोगों के पास बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की यह सोच है। ये कॉमन सर्विस सेंटर क्या है? सीएससी। ये देशभर में डिजिटल सेवा देते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, अब जल्दी रेलवे के टिकट का भी काम वो करने वाले हैं, आपके लैंड का रिकॉर्ड का काम करते हैं, अब वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की सेवाएं देंगे, भारत बिल पेमेंट करेंगे, तो लगभग मोटा मोटी वो 300 डिजिटल सेवाएं देते हैं। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने इस विभाग का मंत्री बना, अरुण जी आप लोग समझिए, उस समय लगभग 80-85 हजार सीएससी था, मैं इसको 2,91,000 ले गया हूं देश पर और आज 10 लाख बच्चे इसमें काम करते हैं, 10 लाख देशभर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जब मैं बिहार आया तो मैंने त्यागी जी से कहा, इनकी टीम से कहा कि यहां संख्या बढ़नी चाहिए और जैसा बताया गया, हमारे पत्रकार भी नोट करें, बिहार में 22,613 कॉमन सर्विस सेंटर है और जिसमें 14,213 ग्राम पंचायत में है, तो 8,000 ग्राम पंचायत है, सारे ग्राम पंचायतों में यह है। मोदी जी ने एक फैसला किया कि डिजिटल इंडिया में, मैं इसके पर आगे आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत की बेटियां, भारत के गरीब डिजिटली साक्षर बने। डिजिटल साक्षर का मतलब क्या है? मोबाइल चलाएं, फेसबुक चलाएं, मैसेज करना सीखें, ईमेल करना सीखें, डिजिटल पेमेंट करना सीखें। तो हमने प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान पीएम दिशा का कार्यक्रम लाया, इसमें हम देश के 6 करोड़ गरीब परिवार के लोगों को डिजिटली साक्षर करने वाले हैं, 6 करोड़, और उसमें बड़ी संख्या में हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े समाज के लोग। अरुण जी, नितिन जी और संजीव जी, आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक देश में हम 6 करोड़ में 1,12,00,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, 1,12,00,000 लोगों को, उसमें 23 लाख अनुसूचित जाति के हैं
और 1.5 लाख अनुसूचित जनजाति के, ये काम हमने कर दिया है। और इसमें जो बिहार की संख्या है वो बहुत रोचक है। बिहार में अरुण सिन्हा जी अभी तक पत्रकार में, हम 8,02,000 लोगों को डिजिटली साक्षर कर चुके हैं, जिसमें लगभग 2 लाख शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है। ये देख लीजिए, 1 करोड़ में इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। उसकी बहुत संख्या आज आपके सामने उपस्थित है, जरा किताब लाओ और देखिए पत्रकार मित्र हम कैसे इनका सम्मान करते हैं कि आज जो किताब हमने उद्घाटन किया इसमें इन सबों की फोटो है, प्रमुख लोगों की जो SC हैं और ST हैं। एक दिन दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम था और ये बात मैं आपके लिए बोल रहा हूं, तो मैं आप लोगों को कैसे आपके पीछे खड़ा रहता हूं, मैं कहता हूं मेरी फोटो छोटी लगाओ, इनकी फोटो बड़ी लगाओ। तो दिल्ली में बड़ा सा कार्यक्रम था तो बजंती भी आई हुई थी, तो हमने कहा बजंती अपना फोटो देखी हो, कहीं मुस्कुराई, कहा जी सर बड़ा बड़का फोटो लगा दल गई है हमार। हमने कहा हाँ, और तुम लोग अच्छा काम करोगी तो दिल्ली में तुम लोग की भी बड़ी बड़ी फोटो लगेगी, ताकि देश जाने कि आप लोग देश को कैसे बदल रहे हो। यह हम भारत को बदलने का काम कर। और देखिए हमारे पत्रकार मित्रों को मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, अभी देश भर में मैंने बताया आपको कि हमारे लगभग बड़ी संख्या में VLE हैं जो लगभग 39,000 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के VLE हैं, बाकी काम करते हैं इन 10 लाख में, और उसमें जो बड़ी संख्या में VLE हैं उसमें जो महिला VLE हैं उनकी संख्या 52,000 है। 52,000 VLE मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, मतलब वो महिलाएं या पुरुष जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं उनको VLE बोलते हैं। बिहार में 2,900 महिलाएं हमारी, अरुण जी, नितिन जी और संजीव जी महिलाएं हैं जो VLE। देश भर में 52,000, बिहार में 2,900। और मैं अपने पत्रकार मित्रों को एक जो बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि बिहार में एक कमाल की बात हुई है कि 10 VLE ऐसे हैं, 10 VLE इनको कमीशन मिलता है, मतलब सर्विस की आपकी बैंकिंग का, रेलवे के टिकटिंग का, पासपोर्ट का, लैंड रिकॉर्ड का, उनको कमीशन मिलता है। तो पत्रकारों को नोट करने के लिए बहुत जरूरी है कि 10 VLE ऐसे हैं जो साल भर में 40 लाख कमाते हैं, याद जान रखिए, और 2 VLE ऐसे हैं जो साल में 1 करोड़ कमाते हैं। आप समझ गए कि हम देश को कैसे बदल रहे हैं, इस बात को समझिए। और मैं CSC बिहार के लोगों को आपके मंत्री के रूप में निर्देश दूंगा, अब आप इस बात की चिंता करें कि 1 करोड़ का टर्नओवर 2 की जगह 20 हो और 40 लाख का टर्नओवर 10 की जगह 100 हो, ये हम बताना चाहते हैं, ताकि लोगों को नए नए नौकरी के अवसर मिले। आपको मैं एक और रोचक बात बताना चाहता हूं, मैंने एक और काम शुरू किया है बिहार में, काम अभी आज से शुरू होगा, और मैं यहां जो बैठी हूं ये हमारी बहनें हैं, इनको मैं आपसे आग्रह करूंगा। देश में यह मासिक धर्म को लेकर बहुत परेशानी हुआ करती थी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मैं त्यागी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ा काम इन्होंने शुरू किया कि आज ये कॉमन सर्विस सेंटर की महिलाएं एक सिस्टम लगाती हैं लगभग 2.5 लाख में, जहां 5 रुपए में सैनिटरी नैपकिन मिलता है, और वो गांव गांव में जाती हैं, बच्चों के पास उनको देती हैं। अभी लगभग 100 इस तरह का VLE ने काम शुरू कर दिया है देश में, और मैंने निर्देश दिया है कि आने वाले 1 साल के अंतर्गत देश के सारे ब्लॉक में एक एक इस तरह का होना चाहिए, ताकि गरीब बेटियों को, स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को जो सैनिटरी नैपकिन नहीं मिलता है, तो आपके माध्यम से काम होना चाहिए।
देखो मेरी बहनों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, ये जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है ना, कि वीएलई सीएससी भारत को बदलने वाले, तो ये आप भारत को बदल रहे हैं। अब आप देखिए, पहले आप कम सेवाएं देते थे, आज आप 300 सेवाएं दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि अब आप डिजिटली लिटरेट कर रहे हैं लोगों को, फिर आपने देखा कि अब आप महिलाओं के मासिक धर्म के लिए सैनिटरी नैपकिन का काम कर रहे हैं। अभी आपको बताया त्यागी जी ने कि मेरी और पीयूष गोयल की बातचीत चल रही है, जल्दी आप लोग रेलवे का टिकट भी काटेंगे, बाबा रामदेव की दवा देंगे, आपको मैंने बताया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का फार्म आप बेचेंगे, नए नए काम आपको होंगे। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बाकी जगह ये काम शुरू हो गया है। अरुण जी, नितिन जी, संजीव जी, मेरी कल्पना यह है कि बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान आए अपने काम के लिए, तो सीधा बोलेंगे हम 10 जिले के सीएससी से अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में काम करते हैं। यह हमारी सोच है। इनके हाथ में लैपटॉप है, इनके हाथ में स्मार्टफोन है, ये लोग डिजिटली लिटरेट हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से अमेरिका इंग्लैंड से भी अपना कारोबार कर सकते हैं, ये हम करना चाहते हैं। आज आपको हमने क्यों बुलाया बाबा साहब अम्बेडकर के पावन जन्म दिवस पर? वो समाज को बदलने वाले थे, गरीबी में पैदा हुए थे। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, और मैं डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा भक्त हूं, और जितना उनको पढ़ता हूं मेरे दिल में इतना ही उनके लिए सम्मान बढ़ता है। संविधान को बनाने में लगाया गया इसलिए नहीं कि वो दलित थे, क्योंकि उस समय सबसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे कानून में। और आपको बताऊं, उन्होंने एक बहुत भावुक पर्चा लिखा था, नो प्यून नो वाटर। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो पानी पीने के लिए दलित थे, तो एक चपरासी बाहर आके बाल्टी से पानी गिराता था, अब क्योंकि घड़े में पानी पी नहीं पाते थे, तो उस दिन कोई नहीं आया, चपरासी छुट्टी पर था, तो प्यासे रह गए। तो उन्होंने कहा, आज चपरासी नहीं तो प्यासे रह गए। वहां से दर्द की यात्रा शुरू हुई, और इतने बड़े बदलाव की नहीं, संविधान के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, अधिकारों के माध्यम से, हिंसा से नहीं, हमें देश को बदलना है। इसलिए बाबा साहब की बात तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग वोट भी मांगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान बनाएंगे, तो अपने अनुसूचित बहनों भाइयों को टेक्नोलॉजी से मजबूत करेंगे, उनके हाथ में कंप्यूटर होगा, स्मार्टफोन होगा, लैपटॉप होगा, और पूरी दुनिया को जीतने का उनके अंदर जज्बा होगा, ये आपने देखा होगा। इसीलिए आज मैंने कहा, त्यागी जी को बुलाओ, हमारी महिलाएं बहनें बात करेंगी। अब आपको लगा होगा कि ठीक नहीं बोल रही है, ग्रामर नहीं सही है। अगर आज भूसिया की बैजंती देवी यहां खड़ी होके तनाक तनाक बोल रही है, तो बाकी सारी बेटियां भी अगले साल से कसकर बोलेंगी। यही तो है कंप्यूटर, यही तो है टेक्नोलॉजी, यही तो है बदलाव। मेरे भाई और बहनों, हिंदुस्तान की डिजिटल परिभाषा क्या है, और इस बात को पत्रकार मित्र हमारे नोट करें, हिंदुस्तान की आबादी है 130 करोड़। 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 121 करोड़ मोबाइल फोन है। नरेंद्र मोदी की 3.5 साल की सरकार में देश में इतना मोबाइल फोन आया है जितना इटली और फ्रांस की जनसंख्या है। 120 करोड़ आधार है, 50 करोड़ इंटरनेट है। हमने कैसे काम किया, अभी जो बात कर रहे थे हमारे संजीव चौरसिया और नितिन नवीन, कि दिल्ली से पैसा आता था गायब हो जाता था, हमने 31 करोड़ जनधन अकाउंट खोला, 31 करोड़ उसको आधार से जोड़ा मोबाइल से, और सीधा बैंक अकाउंट भेजना शुरू कर दिया। राशन का पैसा, किरासन का सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट, गैस की सब्सिडी। आपको मालूम है भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी की सरकार में हमने 83,000 करोड़ रुपया बचाया है जो बिचौलिए खा जाया करते थे। कैसे, बेटी पैदा हुई नहीं, बेटी बड़ी भी हो गई,
बेटी की शादी भी हो गई, बेटी विधवा भी हो गई और विधवा पेंशन मिलता था, होता था ना, अब सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में जाता है। हमारे बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान में गांव में कोई मजदूर नहीं है, लेकिन मनरेगा का सबसे अधिक पेमेंट गांव में होता था, अब सीधा बैंक के अकाउंट में जाता है। तो राजीव गांधी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में यह अंतर है कि राजीव गांधी कहते थे कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं, गांव में 15 नया पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में वो दिल्ली से 1000 रुपया भेजते हैं, यहां गांव के गरीब के अकाउंट में 1000 रुपया जाता है। यही डिजिटल इंडिया है, इस बात को समझना चाहिए। और ये काम हम करना चाहते हैं। हमारे पत्रकार मित्रों को बताने की, एक दिल्ली में हूं, बिहार से लोग एम्स के लिए जाते हैं, अब एम्स में जाइए पहले रजिस्टर कराइए, फिर 3 महीने बाद डेट पड़ता था, हमने कहा रास्ता निकालो, तो हम ई हॉस्पिटल लेकर के आए। आज 272 अस्पताल ई अस्पताल पर है, आप क्लिक करिए, आपको अपना डेट मिलता है कि आप आइए इस तारीख को। सॉयल हेल्थ कार्ड, आज 12 करोड़ किसान सॉयल हेल्थ कार्ड पर हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी मिट्टी की तबीयत कैसी है। डिजिटल लिटरेसी में डिजिटल स्कॉलरशिप, ई स्कॉलरशिप, 1.5 करोड़ बच्चों को नितिन जी हम लोगों ने 5000 करोड़ रुपया दिया है, क्लिक ऑफ द बटन से जो स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये बदलाव का काम हम कर रहे हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है आपको देखकर, क्योंकि मैंने आपको नाम दिया था भारत को बदलने वाले, और आप भारत को बदलने वाले। आज हम आपसे आज लंबा भाषण नहीं करेंगे, लेकिन एक बात, एक संख्या आपको बतानी है कि हमारी सरकार कैसे काम करती है, आप जानिए उसको। अभी बात हुई मुद्रा की, तो पीएम मुद्रा योजना का नाम सुना होगा आपने, और आज बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस पर पत्रकारों को बताना जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने 5.5 लाख करोड़ रुपया 12 करोड़ लोगों को दिए हैं मुद्रा योजना में। आपको मालूम है 50,000, 5 लाख, 10 लाख होता है, कितना, 12 करोड़ लोगों को 5.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। इस 12 करोड़ में 8 करोड़ महिलाएं हैं। आप याद करिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को 5.5 लाख करोड़ रुपया दिया है, उसमें 8 करोड़ महिलाएं हैं, और उन 8 करोड़ महिलाओं में 2,18,00,000 अनुसूचित जाति से हैं और 58,00,000 अनुसूचित जनजाति से हैं। और बिहार में, बिहार का नंबर मैं देना चाहता हूं, बिहार में 1,02,00,000 लोगों को लोन मिला है अरुण बाबू, जिसमें 83,00,000 महिलाएं हैं। 1,02,00,000 लोगों को लोन मिला है, 83,00,000 महिलाएं हैं, उसमें 14,00,000 शेड्यूल कास्ट हैं और 3,70,000 शेड्यूल ट्राइब है। तो ये हम लोग किस तरह से गरीबों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से देश को बदलने का काम कर रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं। और हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटली लिटरेट करेंगे। अभी मैंने बताया 1 करोड़ से अधिक हो गए, तो आप लोगों को बहुत काम करना है बिहार में, जान लीजिए। आप खुद हो गई, मैं बिहार के सीएससी के लोगों से आग्रह करूंगा कि और लोगों को पीएमजी दिशा में डिजिटली लिटरेट करिए, साक्षर करिए, ताकि जब उसके हाथ में कंप्यूटर है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, उसके हाथ में लैपटॉप है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान है और आगे बढ़ने की कल्पना है। और आप लोग फेसबुक पर आ गए, तो मैं ऐसे सारे वीएडी का मैं अभिनंदन करता हूं, अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर आपने देखा होगा, जो बड़ा बदलाव का काम कर रहे हैं। तो ये काम करिए। मुझे एक घोषणा और करनी है आज, ये घोषणा ये करनी है कि आपको मालूम होगा कि हमारे पत्रकार मित्रों को, कि हमने एक बीपीओ का कार्यक्रम शुरू किया। ये बीपीओ का कार्यक्रम कैसे शुरू किया, जब हम 14 में मंत्री बनके बेंगलोर गए थे बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलने, तो वहां बिहार यूपी के बच्चे बाहर खड़े थे, कहे रवि भैया कुछ ऐसा करिए हम अपने गांव तरफ लौट सके, बिहार बंगलोर बहुत कॉस्टली है। तो छोटे शहरों में बीपीओ तो आज पटना में आ गया है, मुजफ्फरपुर में आ गया है, समस्तीपुर में आ रहा है, आपके कोहिमा में आ गया है, इम्फाल में आ गया है, देवरिया और
गाजीपुर में आने वाला है, इलाहाबाद में, जहानाबाद गया में, तो वो तो बड़े बड़े आ रहे हैं 100 सीट 200 सीट के। एक योजना त्यागी जी ने बनाई है, मुझे अच्छा लगा है कि एससी एसटी के लिए गांव में बीपीओ छोटा छोटा, ताकि नौकरी का अवसर मिले, ट्रेनिंग का अवसर मिले। ये 5 से 10 सीट का होगा। और आज डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर हमारे तीनों विधायक, आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में एसटी एससी के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए 100 बीपीओ खुलेगा, ये कॉमन सर्विस सेंटर पर, जहां पर 5 से 10 महिलाएं काम करेंगी। और जब 5 से 10 डायरेक्ट काम करेंगी तो 50 इनडायरेक्ट काम करेंगी। तो पूरे गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव का काम होने वाला है। हम साहब हर जिले में एक एक गांव को डिजिटल विलेज बनाएंगे, डिजी गांव बोलते हैं, उसमें वाईफाई, डिजिटल लिटरेसी, टेली लॉ, इसका काम करने वाले हैं। ये मुझे दूसरी घोषणा करनी है। और मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को डिजिटली साक्षर करने के लिए एक विशेष मिशन मोड अभियान चलाया जाए। तो ये काम भी बिहार में जल्दी शुरू होने वाला है, यह मुझे तीसरी घोषणा करनी है। और मुझे चौथी घोषणा करनी है कि जो सबसे अच्छा काम करने वाला वीएलई होगा, जिसका कॉमन सर्विस सेंटर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब चलाए होंगे, उसको मंत्री जी की तरफ से 1-1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, यह मैं घोषणा करता हूं। तो देखो बिहार मेरा, मैं तो देश का मंत्री हूं, लेकिन बिहार मेरा अपना प्रदेश है और पटना मेरा अपना शहर है। तो अगर देश का मेरे ऊपर अधिकार है तो आप लोगों के ऊपर मेरा भी अधिकार है, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, है ना? तो बढ़िया से आप लोग काम करेंगे, मुझे बताइए, हिम्मत के साथ। और मैं कहां हूं बजंती देवी, इधर आओ, इधर आओ, तुम खड़ा हो, देख यहां खड़ा हो। मैं चाहता हूं कि जो हिम्मत बजंती देवी ने दिखाया है वही आप लोग दिखाएंगे। आज ये एंकर है, आगे से आप लोग एंकर बनेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो एक जोरदार ताली लगाइए और मेरे साथ जोर से बोलिए, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, एक सर आपकी अनुमति तो एक छोटा बच्चा है सर, ही इज ए ड्वार्फ, तो उसने उसने डिजिटल